नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 26 जून 2022 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली 7 मैचों की बड़ी सीरीज के रिगार्डिंग अभी आज की तारीख में बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से 3-4 बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिली, जिसमें कुछ कुछ खबरें भी हैं, कुछ बुरी खबरें भी हैं। वहीं दूसरी तरफ एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2022 की स्टार्टिंग डेट के रिगार्डिंग हमें एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से फाइनल डिसीजन देखने को मिल गया है। और उसके अलावा भी यहां क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाई वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड 2022 को लेकर। जी हां, भारत और आयरलैंड के बीच आज से शुरू होने वाली 2 मैचों की T20 सीरीज के जस्ट बाद भारत की टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली है, जहां पर भारत और इंग्लैंड आपस में 7 मैचों की बहुत ही शानदार सीरीज खेलेंगे, जिस दौरान एक टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। और इस पूरे के पूरे दौरे का पूरा कार्यक्रम बीसीसीआई और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली सीरीज के रिगार्डिंग 3-4 बड़े बड़े अपडेट हमें खुद बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से देखने को मिले हैं। चलिए बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स की। तो पहला अपडेट निकल कर आ रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे प्रैक्टिस मैच को लेकर, जहां पर भाई मैंने आप सबको बताया था कि इस दौरे की शुरुआत से पहले भारत और इंग्लैंड की डोमेस्टिक टीम आपस में यहां पर एक प्रैक्टिस मैच खेल रही है, जहां पर भाई भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से हमें जलवा देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको पता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में किस तरह से भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन दोस्तों सेकंड इनिंग पर फिर से यहां पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों का दबदबा रहा है। जी आपको पता है कि भाई केएस भारत और शुभमन गिल ने ठीक ठाक यहां पर टीम को शुरुआत अपनी सेकंड इनिंग में दी थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद यहां पर हमें सुरेश अय्यर और विराट कोहली दोनों ही खिलाड़ियों की तरफ से काफी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। विराट कोहली ने 67 रन बनाए, वहीं सुरेश अय्यर ने भी लगभग 62-63 रनों की पारी खेली थी। रविंदर जडेजा यहां पर 56-57 रनों पर नाबाद थे, 3 दिनों का खेल यहां पर खत्म हो चुका था। लेकिन दोस्तों इस गेम में हमें काफी इंटरेस्टिंग बात देखने को मिली, जो कहीं ना कहीं आप सभी को गली क्रिकेट की याद दिलाने वाली। आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट इनिंग के दौरान चेतेश्वर पुजारा ने इंग्लैंड की डोमेस्टिक टीम की तरफ से बल्लेबाजी की थी, लेकिन सेकंड इनिंग के दौरान चेतेश्वर पुजारा ने टीम इंडिया के लिए यहां पर बल्लेबाजी की। दोनों बार अलग अलग टीमें वो एक ही मैच में खेले, तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार ये चीज हमें यहां पर इस प्रैक्टिस मैच के दौरान देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो ये अपडेट निकल कर आ रहा है रविचंद्रन अश्विन को लेकर, जहां काफी सारे लोगों के मन में बहुत ही बड़ा डाउट है कि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले एकमात्र टेस्ट महामुकाबले के लिए रविचंद्रन अश्विन अवेलेबल होंगे या फिर नहीं। बहुत ही बड़ा यहां पर सस्पेंस है, क्योंकि भी आपको पता है कि रविचंद्रन अश्विन सीरीज की शुरुआत से पहले ही COVID-19 पॉजिटिव आ चुके। लेकिन दोस्तों कल देर रात को सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई। जी हां, खुशखबरी कुछ ऐसी कि टिल नाउ जो अपडेट उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि रविचंद्रन अश्विन COVID-19 से खुद को रिकवर कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी वो यहां पर हॉस्पिटलाइज है। जी हां, सोर्सेज के हवाले से यह रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि भाई भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले एकमात्र टेस्ट महामुकाबले सेलेक्शन के लिए डेफिनेटली अवेलेबल होने वाले। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर जैसे हमें बीसीसीआई की तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी फाइनल अपडेट देखने को मिलता है, तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है इंडिया टूर ऑफ आयरलैंड 2022 को लेकर। जी हां, फाइनल आज से भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 सीरीज का आगाज होने के लिए जा रहा है, जहां पर पहला T20 महामुकाबला हमें आज भारतीय समय अनुसार रात के 9 बजे से डबलिन के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार होने वाला है, लेकिन दोस्तों वेदर फोरकास्टिंग यहां पर थोड़ी सी मतलब परेशान करने वाली जरूर है। हल्के से यहां पर बादल बताए जा रहे, बारिश यहां पर थोड़ा सा मैच को इंटरप्ट कर सकती है, लेकिन दोस्तों यहां पर केवल 20-30% बारिश के चांसेस बताए जा रहे हैं, जिसके चलते कोई बड़ा इंपैक्ट हमें यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। मैच हमें डेफिनेटली आज डबलिन के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। हार्दिक पांड्या पहली बार भारतीय टीम के लिए हमें यहां पर कप्तानी
कार्रवाई करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है टाटा आईपीएल 2023 को लेकर, जहां पर भी आप सभी को पता है कि अभी से कुछ दिन पहले आईपीएल के डिजिटल मीडिया राइट्स और भाई टीवी राइट्स के यहां पर ऑक्शन हुए थे, बिड लगी थी। वहां पर भाई वुड ने डिजिटल राइट्स को 20,500 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन दोस्तों वुड कंपनी वाइकोम 18 कंपनी यहां पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गई। आपको पता है कि भाई कितना बड़ा सर्वर यहां पर आईपीएल को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए स्टार स्पोर्ट्स यानी भाई डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास था, लेकिन वुड ऐप यहां पर टीएनपीएल यानी तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2022 के मैचों को टेलीकास्ट करने के टाइम पर क्रैश कर रहा है। जो फर्स्ट मैच खेला गया था उस मैच के दौरान 10 बार वुड ऐप क्रैश हुई थी। वैसे में कहीं ना कहीं वुड के लिए आईपीएल को टेलीकास्ट करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग काम होने वाला है। खैर अब यहां पर ऐसी भी रिपोर्ट्स निकल कर आई कि पैरामाउंट कंपनी के साथ इनकी यहां पर टाइप होने वाली है, जिसके बाद इनके जो सर्वर से वो यहां पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही वुड अपडेट की तरफ से हमें किसी भी टाइप का कोई फाइनल अपडेट देखने को मिलता है, तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज 2022 को लेकर, जहां जुलाई के महीने में भारत की टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर जाने वाली है। जहां पर भारत और वेस्ट इंडीज बड़ी सीरीज खेलने वाले हैं 22 जुलाई से, सीरीज का आगाज होने के लिए जा रहा है। लेकिन दोस्तों लाइव टेलीकास्टिंग के रिगार्डिंग बड़े अपडेट हमें यहां पर देखने को मिले। जहां टीवी के टाइप लाइव टेलीकास्टिंग के जो राइट्स है फिलहाल डीडी स्पोर्ट्स के पास मौजूद है। स्टार और सोनी दोनों में से किसी भी कंपनी ने थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। हालांकि अगर यहां पर कुछ पॉसिबिलिटीज होती तो ऐसा हो सकता है कि भाई सोनी के पास राइट चले जाए। हम डिजिटल मीडिया राइट्स की बात करते हैं तो भाई डिजिटली हम यहां पर फैन कोड ऐप पर भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाली सीरीज को लाइव देख पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2022 को लेकर, जहां पर सभी एशियन क्रिकेट फैंस बेसब्री से एशिया कप 2022 के पूरे कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सभी एशियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज हमें देखने को मिली है। जी हाँ, अपडेट कुछ ऐसा है कि एशिया कप 2022 के रिगार्डिंग आज हमें एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल की फाइनल मीटिंग देखने को मिल सकते हैं। ऐसी यहाँ पर सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट निकल कर आ रही है और कुछ सोर्सेज यहाँ पर ऐसा भी क्लेम करें कि भाई 24 अगस्त से डेफिनेटली हमें श्रीलंका के 4 स्टेडियम में एशिया कप 2022 के सभी महामुकाबले देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जैसे इसके ऊपर एसीसी अपनी फाइनल मोहर लगा देती है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है टीम इंडिया के नए कप्तान हार्दिक पांड्या को लेकर, जहां पर कल हार्दिक पांड्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर भाई उन्होंने अपनी कैप्टनसी के ऊपर काफी सारी बड़ी बड़ी बातों को रिवील किया। जी हां, उन्होंने ऐसा बोला कि कैप्टनसी को यहां पर बिल्कुल भी मतलब प्रेशराइज नहीं रहते हैं, कैप्टनसी करके वो काफी खुश है। और भाई वो मतलब वो बोल रहे कि भाई यहां पर वो अपने डिसीजन के ऊपर पूरी तरह से अड़े रहते हैं, वो बोलने पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, वो प्रैक्टिकली हमें करके दिखाते हैं, ऐसा हार्दिक पांड्या का कहना। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या के शानदार एटीट्यूड वाले स्टेटमेंट्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों यह 26 जून 2022 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों का आपके ओपिनियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की स्टूडियो में इतना ही, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब टू क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।